तो केम छो पब्लिक, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो गाइस, आज मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ सिम्फोनी एयर कूलर का इंस्टॉलेशन, जो कि डटिंग है। डटिंग दिखाऊंगा और मशीन किस तरीके से हमने इसम्बल किया है, किस तरीके से हमने फिटिंग किया है, किस लोकेशन पे किया है, वो सब मैं बताऊंगा इस वीडियो में। लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर से मेरे को बहुत सपोर्ट मिलता है। तो मिलते हैं हम लोग वीडियो में। ये एक छोटी सी कंपनी है जिन्होंने टेरेस के ऊपर पत्रे का शेड बना के, ये जो लोकेशन है यहाँ पे उन्होंने अपना कैंटीन बना दिया हुआ है। और इस कैंटीन में हम लोग लगा रहे हैं अपना एयर कूलर, जो कि कुछ इस तरीके से लोकेशन है। ये है कैंटीन कंपनी का, यहाँ पे अपना काम चल रहा है। ये हमने डक लगाया हुआ है यहाँ पे, ये डक लगाया हुआ है। इसे तीन लाइन लगाया हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक वो लाइन में लगा हुआ है, एक उसके बाजू में लगा हुआ। तीन लाइन ऐसा लगाया हम लोग ने। और दूसरा ये इसका ग्रिल है, ऐसे 30 ग्रिल लगे हुए तीनों लाइन के अंदर 30 ग्रिल लगा दिए हैं। और ये जो पहला नंबर का लाइन है ये फर्स्ट है, और फर्स्ट का हम लोग ने कनेक्शन दे दिया है, जो कि अभी चालू करने के लायक है, मतलब फुल कंडीशन में है। हम अभी चालू कर सकते हैं, फुल रेडी है इसका। वहाँ से हमने ज्वाइंट किया हुआ है कुछ इस तरीके से। बाकी दो जो है उसका कनेक्शन अभी हो रहा है, तो वो आज शाम तक हम लोग चालू कर देंगे। फिलहाल ये जो कनेक्शन हमने यहाँ किया हुआ है यहाँ पे, और जो हमारा एयर कूलर है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमने हैंग किया हुआ है नीचे। ये स्टैंड है, ये एयर कूलर है, सेम ऐसा आप देख सकते हो ये किस तरीके से हैंग हुआ है। ये अभी लग रहा है इसका नट बोल्टिंग, बाकी कनेक्शन बाकी है। वहाँ पर हमारे जो इंजीनियर हैं, जो हमारे कारीगर हैं, वो लगे पड़े हुए हैं। सो कुछ इस तरीके से यहाँ पे है, आप देख सकते हो। इस डब्बे के ऊपर अभी इंसुलेशन नहीं हुआ है, ये जो बाहर का डब्बा है ये इंसुलेशन लगा दिया हुआ है, क्योंकि इस डब्बे पे इंसुलेशन नहीं होगा, क्योंकि ये अंदर का है इसलिए अंदर नहीं कर रहे। ये बाहर थोड़ा पानी से बचने के लिए, वाटर प्रूफिंग के लिए हम लोग ने ये इंसुलेशन लगाया हुआ है। सो आप देख सकते हो ग्रिल, ये ग्रिल लगे हुए हैं, वो ग्रिल लगे हुए, वो तो ऐसे हर जो अपना तीन लाइन है तीनों में हमने 30 ग्रिल टोटल लगाए हुए हैं। अभी हम इसको चालू करेंगे, चालू करने के लिए हम लोग चेक करेंगे इसका हवा का फ्लो कैसा है, इसका कैसा है, हम सब आप लोग को बताएंगे। फिलहाल यहाँ से हमने इसको दिया हुआ है पावर का कनेक्शन, जो कि यहाँ से है, यहाँ से है। ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर। यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ है ये है कूलर का पंप के लिए। मशीन थ्री फेस है, तो थ्री फेस के लिए हमने थ्री पोल वाला जो है MCB लगाया हुआ है, थ्री पोल का। यहाँ पर फोर पोल है बट हमने थ्री पोल वाला लगाया हुआ, ठीक है। और यहाँ पर है ये पंप के लिए दिया हुआ है, पंप के लिए इसका वाटर जो पंप रहेगा वो सिंगल फेस का रहता है, इसलिए हमने सिंगल MCB लगाया। थ्री पोल के लिए हमने फोर पोल का यूज़ किया हुआ है। और ये है इसका पैनल, कंट्रोल पैनल यहाँ पे दिया हुआ है। और देख सकते हो पानी का कनेक्शन, इस वाटर कूलर के अंदर जो पानी कनेक्शन जाता है वो यहाँ से जाता है, यहाँ से होल गिरा के हमने अंदर कनेक्शन दिया हुआ है, जो कि सीधा एयर कूलर में जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो कनेक्शन है वो सीधा एयर कूलर के अंदर जाता है। एयर कूलर में लगा हुआ है बॉल वाल लगा हुआ है, फ्लोट वाल जिसे हम बोलते हैं, और वो जैसे ही अंदर पानी भर जाता है ऑटोमेटिक अंदर पानी जाना बंद हो जाता है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। और जो मशीन की बात करूं तो मशीन गुड है। और आप अगर किसी की इंक्वायरी तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ये मशीन इंडस्ट्रियल में ज़्यादातर यूज़ होता है, ये इंडस्ट्रियल एयर कूलर है, जहाँ पर ह्यूमिडिटी की जो रिक्वायर्ड होती है, जिसको ह्यूमिडिटी ज़्यादा चाहिए रहता है, तो ये सबसे बेस्ट है ह्यूमिडिटी के लिए। और दूसरा अपने हेल्थ के लिए, आपने बहुत बार देखा होगा एसी के हवा में कुछ वर्कर्स जो एसी के हवा में काम करते हैं उनको प्रॉब्लम्स होती है, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, या फिर जुकाम ज़्यादा होता है, सर्दी होता है, या सर दर्द होता है, ऐसी बहुत सारी जिनको एसी से एलर्जी भी होता है जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप एयर कूलर लगाओ और यूज़ करके देखो। एक नंबर है भाई, किसी भी वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और दूसरा ये डस्ट फ्री है, आप कोई भी अगर आपका हवा अंदर आ रहा है तो वो डस्ट फ्री होके आएगा, उसमें कोई भी डस्ट नहीं रहेगा आपका, और कोई भी आपका जो केमिकल से, जैसे कि अपने एसी में हो गया वो केमिकल से बनता है या उसका गैस से बनता है, इसमें गैस कुछ भी यूज़ नहीं होता है, सब जो है वो प्राकृतिक होता है, हवा जो है वो प्राकृतिक हवा आती है और वो डस्ट फ्री होके आती है, मतलब जो भी डस्ट है वहाँ वो पानी के अंदर ही स्टोर कर लेगा और फ्रेश हवा अंदर देगा, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। और हेल्थ के लिए तो सबसे बेस्ट है, जो पोल्यूशन आता है इंडस्ट्रियल में ज़्यादातर पोल्यूशन आता है, तो पोल्यूशन फ्री रहेगा और ज़्यादातर तो
लोग कैंटीन में यूज़ करते हो, कैंटीन के लिए सबसे बेस्ट है। और आप मशीन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, जो आप मशीन लगाते हो, हीट मशीन जो आता है उसमें आप लगाते हो, तो वो भी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसका जो टेम्परेचर देखा जाए तो ये आपका अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो 25 के आसपास वो आपका टेम्परेचर कर देता है। बाहर का टेम्परेचर आपका 41 हो या 42 हो, 45 हो के आसपास हो, लेकिन अंदर का जो टेम्परेचर रहेगा वो आपका 25 से लेकर 27 तक, 28 तक रहेगा, 29 तक रहेगा, तो उससे अंदर भी हो जाता है। तो और इसकी जो है बहुत, इसमें तो बहुत सारी खासियत है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी फ़िलहाल इसका हम चालू करेंगे, इसका एयर चेक करेंगे और इसका जो कूलिंग है वो भी चेक करेंगे। वैसे तो आज जो वेदर है, बाहर का माहौल है, वो बहुत ठंडा है, तो वैसे भी ठंडा आने वाला ही है, लेकिन हम इसका जो फ्लो है वो चेक करेंगे थोड़ा टाइम में, तो बने रहो वीडियो में। इसके मोटर की बात की जाए तो 3.8 HP का मोटर है, और इसका जो RPM है वो 1400 RPM का मोटर है। इसका जो एयर हम लोग नापने जाए तो मेरे हिसाब से ये CFM आएगा अपने को 1500 से 1600 CFM का जो मशीन है वो। इसमें 10000 CFM का भी मशीन आता है। फिलहाल तो पहले 10000 CFM तक ही था, लेकिन अभी कंपनी ने 6000 CFM का भी बना दिया है और 5000 CFM का भी मशीन बना दिया है। तो किसी को अगर छोटे एयर कूलर की रिक्वायर्ड हो तो भी हमारे पास मिल जाएगा। और हमारा जो ब्रांड है वो है सिम्फोनी एयर कूलर, जो कि इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी है, वो भी एयर कूलर के मामले में। सो आप लोग देख सकते हो सिम्फोनी एयर कूलर ब्रांड है, और इंडिया में, और इंडिया का, ऑल ऑफ इंडिया की बात बताऊँ मैं, कोई भी कंट्री की, तो एयर कूलर में सबसे बेस्ट सिम्फोनी है, जो कि इसका जो प्लांट है वो चाइना में भी है, जो सिम्फोनी का खुद का ही प्लांट है जो चाइना में अवेलेबल है। तो ये अभी हमने दो एयर कूलर चालू कर दिया है और हवा टेस्टेड करते हैं हम लोग कि हवा कैसा है। ये हवा आ रहा है, थोड़ा चेक करो तो, हवा चेक करके बताओ तो। अरे बाल तो हिलेगा, ये भी लगाओ, चेक कर देना। ये अपना हवा आप चेक कर सकते हो, ये कंडीशन में है, हवा तो काफ़ी, इधर से भी हवा आ रहा है, ये ग्रिल से भी, दोनों एयर कूलर चालू कर दिया हूँ। तो यहाँ पे भी मैं खड़ा हूँ तो हवा तो भाई बहुत ठंडा ठंडा फील हो रहा है। जो ठंडा हवा है ना भाई, बहुत बहुत ज़्यादा ठंडा हवा फील हो रहा है। देखो आप, देखो मेरे बाल उड़ जाएंगे, देखो तो इतना हवा चल रहा है, हवा उसका प्रेशर इतना है, मतलब एकदम ठंडा ठंडा। सो बाहर के दोनों कूलर चालू कर दिए हैं और दोनों साइड से हवा आ रहा है, इस साइड से भी आ रहा है, ये साइड से भी हवा आ रहा है और इस साइड से भी आ रहा है। बीच में रहेगा टेबल जो कि खाना खाने के लिए रहेगा, और यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है। और इसका जो टेम्परेचर है वो भी, फिलहाल तो टेम्परेचर मीटर लाया नहीं उन्हें मैं, नहीं तो आप लोग को दिखा देते यहाँ का टेम्परेचर क्या है क्या नहीं। तो हवा तो काफ़ी ठंडा आ रहा है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, एंड आपको कोई भी इंक्वायरी हो, कुछ भी हो, तो मुझे मैसेज कर सकते हो बिंदास, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं उसे लाइक करो फटाफट और कमेंट करो। थैंक यू सो मच।